बच्चों, आप अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप क्वेश्चन बैंक को भी रिवाइज करते हैं, क्वेश्चन बैंक का अर्थ हुआ कि पीछे 8 साल 10 साल में पूछे गए क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं तो ये आपको अच्छे मार्क्स पकड़ाने में काफी मदद करते हैं। क्योंकि इससे पहला तो आपको पैटर्न की जानकारी मिलती है कि किस पैटर्न से सवाल पूछे जाते हैं, एक नंबर के सवाल किस किस सेक्शन से कितने कितने रहते हैं, 2 नंबर के सवाल या 3 नंबर के सवाल कितने रहते हैं, 5 नंबर के सवाल कितने रहते हैं, कितने से किस सेक्शन से सवाल उठाए जाते हैं, किस सेक्शन को नहीं टच किया जाता है। ये सारी चीजें आप क्वेश्चन बैंक को अगर थ्रोटली समझे तो समझ में आता है। तो यह भी तैयारी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया में आती है। इस सीरीज से मैं आपको फिजिक्स, मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री, इन तीनों ही चीजों में पिछले कुछ सालों, 7 साल 6 साल में सवाल आए हैं और उनको कैस आधार पे आप अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, वो पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगा और आपको निश्चय ही इस वीडियो से काफी फायदा मिलेगा और आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने में मदद करेंगे। तो इस वीडियो से मैं मैथमेटिक्स की शुरुआत कर रहा हूँ। ये आपको आने वाले बोर्ड एग्जाम में मदद करेंगे। इसमें मैंने 2017 का पेपर लिया है सीबीएसई का। ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके भी इसे देख सकते हैं। वो सॉल्व पेपर आपको मिलेगा, यहाँ मैं आपको पूरे डिटेल में सॉल्व करके बता दूंगा। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। स्टार्ट हम सेक्शन ए से करते हैं। इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। सबसे पहला सवाल आपको प्रोबेबिलिटी चैप्टर से है। इस सवाल में कहा गया है कि आपके पास एक एप्पल्स का हिप है जिसके अंदर 900 एप्पल हैं, उसमें से रोटेन एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी ली गई है। तो रोटेन एप्पल निकालने के जो इवेंट है प्रोबेबिलिटी के अंदर होता है कि जो इवेंट आपको चाहिए, जो आपका फेवरेबल इवेंट है, जो चाहिए आपको, यहाँ आप रोटेन एप्पल निकाल रहे हैं तो ये आपका इवेंट हुआ, उसी को ई माना जाता है। तो ई को हमने लिखा कि गेटिंग ए रोटेन एप्पल, इसकी प्रोबेबिलिटी का है सवाल। तो ई को मैंने माना कि एप्पल निकलने का ये इवेंट है। तो नंबर ऑफ ई ये आपको नहीं दिया हुआ है अभी कि ये कितने तरीका से, यानी उसमें रोटेन एप्पल है कितना, लेकिन नंबर ऑफ एस, एस का मतलब होता है सैंपल स्पेस, यानी जितना तरह का निकल सकता है। तो 900 दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एस हो गया 900 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई रोटेन एप्पल निकलने की प्रोबेबिलिटी ये दी हुई है और आपको निकालना है कि नंबर ऑफ ई यानी इवेंट की संख्या कितनी है। तो प्रोबेबिलिटी में ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर होता है नंबर ऑफ ई बटा नंबर ऑफ एस। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है और इसी को बाकी चैप्टर्स में और एनालाइज किया गया है, लेकिन इसी से आपका इसमें काम हो जाएगा। आपका क्वेश्चन है, ज्यादा लंबा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको समझना तो डिटेल में ही है, क्योंकि जब आप समझेंगे तभी तो इसे छोटा बनाएंगे। इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो नंबर ऑफ ई इक्वल टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और इनटू नंबर ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 0.18 और इसको 900 से गुना कर देंगे, 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 शून्य गायब हो जाएगा और 18 और 9 से जो गुना करेंगे ये आपको आएगा 162। यही आपको आंसर है। दूसरा नंबर सवाल आपका हाइट एंड डिस्टेंस से है, जिसमें कहा गया है कि एक टावर ए बी है जो 30 मीटर हाइट है, जिसका शैडो जमीन पर पड़ रहा है 10√3 मीटर का। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना, अगर ये आपको 4 नंबर 5 नंबर का रहता तो आपको टोटल डिटेल करना पड़ता कि लेक ए बी इज ए टावर एंड बी सी इज ए डियर शैडो, इस तरीका से आपको डिटेल में इसको एक्सप्लेन करके बनाना पड़ता है। लेकिन 1 नंबर का है तो इसमें ज्यादा एक्सप्लेन कीजिएगा तो बाकी आप बड़े क्वेश्चन कब बनाएंगे, टाइम लिमिटेड रहता है। इसलिए एक चीज और बोर्ड एग्जाम में आप कीजिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने बड़े क्वेश्चन है अगर ऑब्जेक्टिव हो 1-1 मार्क्स का, ये ऑब्जेक्टिव में नहीं आता, ये आपको बनाना है तो इसकी बात नहीं करो, जो ऑब्जेक्टिव हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन हो, तो उनको सबसे पहले बनाइएगा और उसको बनाने के बाद सेकेंड स्टेप में जो सबसे बड़े बड़े मार्क्स के क्वेश्चन है, 5 नंबर 6 नंबर 4 नंबर इस तरह के, सेकेंड स्टेप में हमेशा उसको बनाइएगा,
ये एक नंबर के क्वेश्चन जो बड़े ही इस तरीके से जा रहे हैं, इसको सबसे अंत में बनाइएगा, क्योंकि मात्र एक नंबर ये देगा लेकिन ये टाइम खा रहा है, इसलिए इसको पहले बनाने की गलती मत कीजिएगा। पहले बड़े क्वेश्चन, क्योंकि इतना ही बड़ा मैंने देखा है कि 4 नंबर 5 नंबर वाले भी क्वेश्चन में रहते हैं, तो उसको आप बनाते हैं तो 4 नंबर आपको मिलेगा, यहाँ 1 नंबर मिलेगा। कितनों अच्छा से इसको बना दीजिएगा तो 1 में आपको 2 नहीं मिल रहा, 1 में आपको 1 ही मिलेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में खास करके आपको जरूरी करना है। तो इसमें देखते हैं, ये आपको दिया हुआ या एंगल थीटा मान लेंगे कि लेट द एंगल ऑफ इलिवेशन इक्वल टू थीटा, इसलिए इन ट्रायंगल एबीसी ना भी लिखेगा तो काम चलेगा। देखिए यहाँ आपको एंगल के सामने वाला दिया हुआ है, एंगल के सामने वाला पी होता है और एंगल के नीचे वाला बी होता है, तो यहाँ हमारा पी और बी में रिलेशन है, तो पी और बी में रिलेशन बनता है टैन थीटा का, टैन थीटा का रिलेशन बनता है पी बी, सीधा कुछ नहीं लिखिए, सीधा वैल्यू लिखिए आप 10/10√3, क्योंकि वो सारा डिटेलिंग आपको बड़े मार्क्स वाले क्वेश्चन में करना है, इसमें आपको ए बी बटा बी सी या पी बटा बी इतना करने के चक्कर में मत फंसिएगा। ये 10 से 1 सुना कट गया, √3 से ये √3 बार में कट गया, और ये आ गया आपको टेन थीटा बराबर √3, यहां बचा √3 का वैल्यू होता है tan 60 डिग्री, तो टेन और टेन कैंसिल हो जाएगा, इस तरीका से काटा नहीं जाता है, एक बार ध्यान दीजिएगा, टेन थीटा साइन थीटा ऐसे जो काटा मैंने ये काटना नहीं है, ये कोई मल्टीपल नहीं है थीटा के साथ, ये थीटा के साथ मल्टीपल नहीं है कि कटेगा, ये सिंबल है, सिंबल कभी नहीं कटता है, तो बस ये मान लीजिए कि ये दोनों जो है इलिमिनेट होके थीटा बराबर 60 डिग्री बचा, ये आपका आंसर होगा। एग्जाम में कभी इस तरीका से कट मत कीजिएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल आपका सर्किल से है और टेंजेंट पार्ट से है, कह रहा है कि ये एक सर्किल है जिस पर ये टेंजेंट 2 खींचे गए हैं पी पॉइंट से। आप जानते हैं टेंजेंट में किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर 2 ही टेंजेंट खींचे जाते हैं, हमेशा 2 ही टेंजेंट खींचे जाते हैं, तो ये टेंजेंट खींचे गए हैं और इस सर्किल का जो है रेडियस है ए है, तो आपको बोल रहा है कि यहां से लेके ये ओ से पी की दूरी निकालना है, जबकि ये एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यहां पर आपको सर्किल का प्रॉपर्टी लगने के साथ साथ ट्रिगोनोमेट्री भी इसमें लगेगा, क्योंकि सर्किल में तो आपको ये डायग्राम वगैरह ही आ रहा है, प्रॉपर्टी जा रहा है, लेकिन यहाँ एंगल देके ये ट्रिगोनोमेट्री का भी यूटिलाइज किया है, इसमें आपको दोनों चीज का यूज करना है। तो हम ये ए दिया है, मान लिया ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो किसी भी एक ट्रायंगल में हम ले लेते हैं, जैसे कि ये अगर ट्रायंगल लेते हैं तो सेंटर को जब भी एक्सटर्नल पॉइंट से मिलाया जाता है जो टेंजेंट है, तो ये इसको हाफ हाफ डिवाइड करता है, तो ये आपका हो गया 30 डिग्री, ये भी हो गया 30 डिग्री, क्योंकि पूरा है 60 डिग्री। तो अब इस ट्रायंगल में देखिए, यहाँ ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके सामने ये पी हो गया और हमें ये निकालना है, तो ये एच है, पी एच में साइन थीटा का रिलेशन होता है, यानी कि यहाँ पर आप सीधा लिखिए साइन 30 डिग्री बराबर हो गया पी, पी का मान ए है और एच का मान हो गया ओपी। अब साइन 30 डिग्री का वैल्यू रख देंगे जो कि होता है 1/2 बराबर हो गया ए बटा ओपी, यानी कि ओपी इक्वल टू हो गया 2a, ये आपका वैल्यू हो गया, बस इतना ही लिखना और कोई भी एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। अब अगले पार्ट चलते हैं। अगला एक नंबर का सवाल जो है वो आपको प्रोग्रेशन से है, सीरीज सीक्वेंस भी बोलते हैं इसको, ये एपी से है, ये एपी का है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें कह रहा है कि A21 को में से A7 को घटा के 84 आता है और आपको कॉमन डिफरेंस यानी कि D निकालना है। फॉर्मूला होता है AP का AN इक्वल टू A+N-1 × D, ये फॉर्मूला इसमें यूटिलाइज होगा, तो AN के हिसाब से यहाँ A21 है यानी N की जगह 21 है, तो सबसे पहले ए रखना है, तो यहाँ पर ए रखा है, फिर प्लस एन माइनस वन, एन की जगह 21 है तो 21 में से माइनस वन करेंगे तो ये बच जाएगा 20, उसमें डी लग जाएगा, फिर माइनस करके ये A7 है, A7 को ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो जाएगा A+7 में से 1 हो गया 6 और ये डी, और ये हो गया आपका 84, ये इसको तोड़ेंगे तो हमको मिलेगा।
अब इसको अगला स्टेप में जब चाहते हैं तो a प्लस 20d माइनस a माइनस 6, हाँ ये ब्रैकेट यहाँ नहीं, ब्रैकेट यहाँ पड़ेगा, तो a माइनस 6d बराबर 84। a और a कैंसिल हो गया तो आपका 20 में से 6 गया, ये बच गया 14d बराबर 84। तो d बराबर हो गया 84 बटा 14, 14 × 6 = 84, यानी d का वैल्यू हो गया 6, इसका आंसर आ गया आपका 6। इस तरीका से ये बनेगा। सेक्शन ए हमारा खत्म हो गया, ये 4 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के। अब आते हैं हम सेक्शन बी में, इसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन दिए गए हैं 6। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। सेक्शन बी का पहला सवाल जो है 5 नंबर क्वेश्चन, इसमें एक सर्किल आपको दिया गया है। ये सर्किल में कह रहा कि ये क्वाड्रिलेटरल का चारों साइड को टच करता, तो एक इसके चारों तरफ का एक क्वाड्रिलेटरल बना देते हैं अपनी मर्जी से। इसमें कुछ दिया हुआ नहीं कि किस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, तो कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हम इसके चारों साइड को टच करता हुआ बना लेते हैं जो इसको टच कर रहा है। ये हमने क्वाड्रिलेटरल बनाया, ना स्क्वायर है ना रोम्बस, कुछ भी नहीं है, मेरा ऐसा बना, आप और टेढ़ा बना सकते हैं, इससे कोई लेना देना नहीं है। ये मान लिया कि ये बी सी डी ए क्वाड्रिलेटरल का है और ये सर्किल ओ है सेंटर। प्रूव करना है इसमें कि ये ऊपर का साइड ए बी और नीचे के साइड सी डी से अगर जोड़ दे तो ये इधर का साइड और इधर के साइड के सम के बराबर होगा, यानी ए डी प्लस बी सी, ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है और सिर्फ ये सर्किल का टेंजेंट चैप्टर का, इसमें ना ट्रिग्नोमेट्री कहीं लगा है ना कुछ लगा, ये एकदम प्योरली ज्योमेट्री का सवाल है जिसमें और कोई चीज नहीं लगा। सबसे पहले इसका सेंटर को जो है आप जहां जहां टच पॉइंट है वहां से इसको मिला दीजिए, ये जहां जहां टच पॉइंट था इसका सर्किल का सेंटर को मिला दिए। अब इसको कुछ भी नाम दे देते हैं, पी क्यू आर एस, आपकी मर्जी है, जो मर्जी है नाम देना, नाम दे लीजिए। अब सर्किल का प्रॉपर्टी होता है कि किसी भी पॉइंट से जो दो टेंजेंट खींचा जाता है वो बराबर होता है, इसी प्रॉपर्टी का यूज करना है। तो इसको लिख देंगे सबसे पहले कि द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल, वो क्या होता है, इक्वल होता है। इस चीज को सबसे पहले हम लिख लेंगे और इसके लिखने के बाद आगे हम इसको बनाएंगे। देखिए यहाँ ए पॉइंट से दो सर्किल बनाया, दो टेंजेंट है, एक एपी है और एक एएस है, यानी एपी और एएस बराबर होगा। यहाँ लिखेंगे एपी बराबर एएस, ठीक है, ये हमारा हो गया। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं, बी पॉइंट से आते हैं अगर, तो बी से हमारा बीपी और बीक्यू ये बराबर होगा क्योंकि ये की पॉइंट से टेंजेंट है। तो देखिए एपी के साथ बीक्यू जोड़ना है तो एपी हम कहां लिखे, यहां, तो यहीं पर इसका दूसर का हम लिखेंगे, यहां हो जाएगा पी बी और इसका बराबर वाला दूसरा साइड लिख देते हैं बी क्यू, ठीक है। हमने दूसरे पॉइंट को भी कवर कर लिया, ये और ये हमारा हो गया। अब हमारा तीसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट बचा, तीसरे पॉइंट पे आते हैं, तीसरे पॉइंट सी पर आएंगे तो हमारा सी क्यू और सी आर ये बराबर होगा। तो देखिए बी क्यू जिधर लिखे, बी क्यू हमने किधर लिखा है, तो उधर ही हम सी क्यू लिखते हैं, ये सी क्यू और इसका इधर सी आर इस तरफ लिख दिया। और सेम उसी तरीका से डी से डी आर हम सी आर की तरफ डी आर लिखेंगे, डी आर इक्वल टू और डी एस ये हमने लिखा, चारों पॉइंट को हमने कवर कर लिया। अब सिर्फ इसको जोड़ देना है, क्या करना है, इसे जोड़ देना है। तो देखिए जोड़ेंगे तो क्या है, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी ये हो गया क्या एपी, ये हमारा पहला आ गया एपी। अब देखिए सी आर प्लस डी आर, ये है सी आर और ये है डी आर, ये पूरा आ जाएगा डी सी, डी सी लिखिए या सी डी लिखिए एक ही चीज है सी डी। और इधर देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू, यहां देखिए बी क्यू प्लस सी क्यू ये हो जाएगा बी सी, और डी एस प्लस ए एस ये दोनों,
ये देखिए डीएस और एएस ये हो जाएगा एडी। ये हमारा यही प्रूव करना था जो हमारा प्रूव हो गया। थोड़ा सा ज्यादा बोलना पड़ा, सिर्फ बोलना मुझे ज्यादा पड़ा, क्वेश्चन उतना ही छोटा है। यानी जितना मेहनत में आप एक नंबर उठा रहे थे एक से चार नंबर क्वेश्चन में, उतना ही मेहनत में इसमें दो नंबर उठाए। इसलिए एक नंबर वाला बनाने से पहले दो नंबर वाला बनाइएगा, क्योंकि उतना ही मेहनत में आपको डबल मार्क्स मिल रहा है। तो छह नंबर पर आप चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक सर्किल है और इस पी पॉइंट से दो टेंजेंट खींचा गया है। ये एक कॉर्ड है, कॉर्ड दिया हुआ है आपको, ए बी कॉर्ड है। इस कॉर्ड पर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, तो दो टेंजेंट खींचे गए हो तो कहीं ना कहीं आपस में लड़ेंगे, तो उसको पी पॉइंट दे दिया गया है। प्रूव करते कह रहा है इस पर जो ये दोनों एंगल है ये बराबर है। यानी हमें प्रूव करना है कि एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए, ये हमें प्रूव करना है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम थोड़ा सा इस पे और कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये हम हमारा सर्किल का सेंटर है, सेंटर को ए से मिला देंगे और सेंटर को इधर बी से मिला देंगे और लिखेंगे इन ट्रायंगल ओ ए बी। एंगल आपका हो जाएगा एंगल ओ ए बी बराबर एंगल ओ बी ए। देखिए ये जो ट्रायंगल है आपका यहां से लेके यहां तक, तो ये आपका रेडियस है, ये आपका रेडियस है, तो ये दोनों साइड जब बराबर हो गए तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो जाएंगे, आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया, ये बराबर हो गए। दूसरी चीज आपका क्या है कि ये सेंटर से जब टच पॉइंट को मिलाते हैं तो ये पूरा एंगल 90 बनता है, यानी ये पूरा एंगल 90 है। तो अगले स्टेप में हम इसको इक्वेशन वन हमने मान लिया, अगले स्टेप में चलेंगे तो हो जाएगा एंगल ओ ए पी, एंगल ओ ए पी ये पूरा एंगल और ये एंगल नीचे ओ बी पी ये एंगल बराबर एंगल ओ बी पी, ये 90 डिग्री के बराबर है। ये हमने आगे कर लिया। अब इसी को अगर तोड़ते हैं ओ ए पी को, तो ओ ए पी बराबर होगा एंगल, देखिए ओ ए बी, ओ ए बी प्लस, देखिए ये पूरा एंगल को लिख सकते हैं, इतना एंगल प्लस इतना एंगल। अगला होगा एंगल पी ए बी, एंगल पी ए बी, और उसी तरीका से इधर भी हो जाएगा ओ बी ए, एंगल ओ बी ए प्लस एंगल पी बी ए, ये हो गया। और ये कैंसिल हो जाएगा कहां से, इक्वेशन वन से, इससे जो है ये दोनों कैंसिल होगा क्योंकि दोनों जो है बराबर है। और हमारा अगला स्टेप में ये प्रूव हो गया एंगल पी ए बी बराबर एंगल पी बी ए, यही चीज हमें प्रूव करने के लिए यहाँ बोल रहा था। यानी मात्र एक लाइन दो लाइन तीन लाइन चौथे लाइन में आपको ये सॉल्यूशन हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही, छह तक इसमें बताया हूं मैं, इससे आगे का अगले पार्ट में बताता हूँ, छोटे छोटे स्टेप में करके समझते चलिए, आपको भी आसानी होगी हमें भी आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं ताकि उन्हें भी फायदा हो आपको भी फायदा हो। ऐसा नहीं सोचे कि आप केवल तैयारी करेंगे और आप मार्क्स लेंगे, ऐसा नहीं होता। अगर आप ऐसा सोचिएगा तो आप पिछड़ जाइएगा। जब तक आप दो चार को मिलकर नहीं तैयारी कीजिएगा तब तक मार्क्स नहीं बढ़ते हैं। तो सभी लोग मिलकर तैयारी कीजिए। धन्यवाद।